भव्य एवं दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में होनी है। हर कोई अपने अंदाज में राम काज में जुटा है। देश में विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं। आम जनता के उल्लास को और बढ़ाने के मकसद से संस्थाएं लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी कड़ी में श्री राम सेवा मिशन की ओर से कानपुर में भव्य सनातन यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक श्री रमेश अवस्थी की अगुवाई में निकली सनातन यात्रा में द ग्रेट खली ने हिस्सा लिया। श्री राम सेवा मिशन के संरक्षक श्री रमेश अवस्थी ने बताया कि ये सनातन यात्रा का उद्देश्य राम का नाम और उनके कामों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सदियों से आहत सनातन भावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्य नेतृत्व में जिस तरह से भव्य राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, उससे हम सभी अभिभूत हैं। हमें गर्व है कि इस युग परिवर्तन में हम भी साक्षी हैं। यात्रा संयोजक सचिन अवस्थी और राहुल सिंह चंदेल ने बताया कि सनातन यात्रा ने रामलला मंदिर से शुरू होकर शहर के अलग अलग स्थानों से होते हुए करीब 30 किलोमीटर की यात्रा तय की। मोती झील स्थित वाल्मीकि आश्रम में यात्रा का समापन हुआ। आपको बता दें, रावतपुर गांव स्थित रामलला मंदिर में आरती के बाद सनातन यात्रा शुरू हुई। यात्रा में मनमोहक झांकियों के साथ ही सैकड़ों वाहन भी शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार मंडलों और राजनीतिक दलों के लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान श्री राम सेवा मिशन की ओर से आम जनों को निशुल्क मिट्टी के दीपकों के साथ ही 10,000 यथार्थ भगवत गीता और श्री राम मंदिर पर आधारित कैलेंडर का भी वितरण किया गया। वही कार्यक्रम में परमहंस आश्रम के सोमानंद बाबा, पनकी मंदिर धाम के महंत कृष्ण गोपाल दास और गोल्डन बाबा की मौजूदगी सनातन के गौरव को दर्शा रही थी। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत विचारक श्री राम जी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, कोऑपरेटिव स्टेट चेयरमैन विजय कपूर, समाज सेवी भूपेश अवस्थी, देवानंद तिवारी, शुभम अवस्थी, नीलाभ द्विवेदी और शिव बहादुर सिंह ने विशेष रूप से सहभागिता की। वही ऐसे में सहारा समय संवाददाता सुनील साहू ने सनातन यात्रा का जायजा लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन इससे पहले ही पूरा भारत राममय हो चुका है। जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, और हो भी क्यों ना, मेरे सरकार आए हैं, भगवान राम आए हैं, कुछ इन्हीं भावनाओं के साथ विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर में सनातन यात्रा का आयोजन किया गया। श्री राम सेवा मिशन की ओर से निकली सनातन यात्रा में हजारों की संख्या में वाहन शामिल हुए। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे कि नज़ारा दिखाएं कि किस प्रकार से हजारों की तादाद में वाहन इसमें शामिल हैं, और उस देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। हाथों में झंडा है, जुबा पे जय श्री राम का नारा है, और हृदय में भगवान राम के लिए भाव हैं, और इन्हीं भावों के साथ वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा का भी मकसद है कि भगवान राम को हर व्यक्ति उल्लास के साथ उनका अभिवादन करे, स्वागत करे। जिस प्रकार से भगवान राम का मंदिर 22 जनवरी को बनना है, तो पूरा माहौल राममय हो जाए, और इन्हीं भावनाओं के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में द ग्रेट खली भी शामिल हुए हैं, और उनको वो विशेष आकर्षण है इस यात्रा का, और लोग उनको देखने के लिए उमड़ रहे हैं। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत हो रहा है, और कहीं ना कहीं यात्रा अपने मकसद को पूर्णता प्राप्त कर रही है। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील साहू, सहारा समय।